आज हम लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं। हमारे पास है 8.7 लीटर और उसे हमें मिलीलीटर में बदलना है। तो शुरुआत करें, चलिए हल शुरू करते हैं। हमारे पास है 8.7 लीटर या 8.7 लीटर और इसे हमें मिलीलीटर में बदलना है। लीटर से हमें किसकी ओर जाना है? मिलीलीटर की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस लीटर और मिलीलीटर के बीच के संबंध को समझना होगा कि कैसे वे एक दूसरे से संबंधित हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था और उसे याद भी करना होगा कि क्या, क्योंकि कैसे संबंधित है लीटर मिलीलीटर से। एक लीटर कितने के बराबर होता है? कितने मिलीलीटर के बराबर होता है? 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। एक लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, यह हमें याद रखना होगा। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, इसलिए हमारे पास कितना लीटर है? 8.7 लीटर, यह हमारे पास है और इसे हमें मिलीलीटर में बदलना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 8.7 का यहां क्या है, लीटर, लीटर को हमें बदलना है मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर में जब हम लीटर को बदलेंगे तो यहां हमें 1000 मिलीलीटर का गुणा मिलीलीटर का गुणा करना होगा। 8.7 लीटर था, उसे हमने क्या किया, 8.7 वही है 8.7। अब इस लीटर, क्योंकि इस लीटर को हमें मिलीलीटर में बदलना है तो हमें उसके साथ 1000 मिलीलीटर का गुणा करना होगा। क्यों गुणा करना होगा? क्योंकि 1 लीटर जो है 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, इसलिए 1000 मिलीलीटर का गुणा करेंगे। अब गुणा कर लीजिए, तीनों शून्य हम उतार लेते हैं, 1, 2, 3 और 1 7 4 और 1 8 8, इतना हो गया। और भी कुछ बाकी है, यहां देखिए दशमलव के बाद एक अंक है 4, इसलिए हम इधर दाईं ओर से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, मतलब हमारे पास हुआ 8700 मिली लीटर। 8.7 लीटर कितना के बराबर हो गया? 8700 मिलीलीटर के। तो जहां भी दशमलव से संबंधित कोई धारिता हो या भार हो तो दशमलव संख्याओं का गुणा में हमने सीखा ही है कि हम दशमलव संख्याओं का पूर्ण संख्या के साथ गुणा कैसे करते हैं, तो हमें उसे उपयोग में लाना है। और हमें सीधी सी बात है, पहले तो हम गुणा करेंगे, अब फिर हमें पता है कि दशमलव कहाँ लगाना है। तो हमने यहाँ चूंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो हमने भी दाईं ओर से उत्तर में गुणनफल में दशमलव के बाद एक अंक छोड़ दिया, दशमलव और एक अंक छोड़ कर हमने दशमलव लगाया। तो यहाँ दशमलव लगाया हमने, तो यह हो गया 8700 मिली लीटर। तो ऐसे प्रश्नों में भी हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सामान्य तरीके से हमें गुणा करना है और फिर उत्तर लाना है। तो ऐसे और सवाल आप अभ्यास के रूप में हल कर सकते हैं, जितने ज्यादा सवाल आप हल करेंगे आपके लिए उतना ही।